बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ये जो भाव हैं ये साधारण भाव नहीं है, असाधारण है, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं असंतोष का भाव झलकता है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, इंसान के मन की अनंत इच्छाएं हैं और वो उन्हें पूरी करने के लिए प्रयासरत रहता है और फिर भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। वो कहता है कि मैंने जितना प्रयास किया उसके हिसाब से मुझे कुछ भी नहीं मिला, जितना मेरा पुरुषार्थ था उसके हिसाब से मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। और अक्सर आज के समय में ये साधारण सी बात हो गई है कि हर व्यक्ति अवसाद में ग्रसित नजर आता है, निराशा घनघोर रूप से छाई हुई है, कहीं आर्थिक तंगी है, व्यापार में घाटा दिखाई दे रहा है, परिस्थितियां डावाडोल हैं, रिश्ते नाते उनमें दूरियां बनती जा रही हैं, एक छत के नीचे रहते हैं लेकिन फिर भी बहुत दूरी है। मान सम्मान प्रतिष्ठा हर चीज लगती है जैसे जीवन में सब कुछ खत्म होता जा रहा है। और व्यक्ति के जीवन में जो अकेलेपन का भाव है वो भी बढ़ रहा है। भविष्य की चिंता, हमेशा लगता है कि कल क्या होगा, घबराहट बेचैनी, और इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है कि कई बार तो भगवान पर ही भी आक्षेप लगा देता है। भगवान पर जो वो आक्षेप लगाता है उसमें वो क्या कहता है, हे भगवान इतने दुख इतने कष्ट जन्म ही क्यों दिया, तू अगर हमें धरती पर भेजता है तो तू सुख भी तो दे सकता है, मैंने अपने जीवन में कभी सुख नहीं देखा। और उसके जीवन में एक लंबी लिस्ट होती है जिसमें सिर्फ शिकायतें होती हैं। वो कहता है कि मुझे तो अपना जीवन ऐसे लगता है कि जैसे जीवित मेंढकों को तराजू पर तोलने जैसा हो, एक को बिठाओ दूसरा नीचे आ जाता है, एक परिस्थिति खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। और इन परिस्थितियों के झंझावातों में व्यक्ति इतना नेगेटिव हो जाता है कि सबसे पहले उसकी कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। ऐसा व्यक्ति जब हताश निराश हो जाता है तो सोचता है किसके पास जाऊं, कहां जाऊं, कौन मुझे समाधान देगा। ऐसे ही हताशा और निराशा से युक्त व्यक्ति एक बार एक नक्षत्र ज्ञाता व्यक्ति के पास गया जो ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान रखता था। जब वो उस व्यक्ति के पास गया तो उसने अपने हृदय की सारी व्यथा उसके समक्ष रखी। उस व्यक्ति ने बहुत ध्यान से उसकी बात को सुना और कहा, मैं आपसे दो बातें कहता हूं, आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप मेरी दोनों बातों को फॉलो कर पाए तो आप निसंदेह बहुत लाभ प्राप्त करेंगे। मेरी पहली बात, मैं आपके जीवन में कुछ ऐसा योग देख रहा हूं जो प्रबल लाभ का योग है, अगर आप मेरी बात पर अमल कर पाए तो आप पाएंगे कि ये लाभ आपको निश्चित मिलेगा। आपका समय आरंभ होता है 30 सेकंड, और आपको करना क्या है, आपको करना है कि कोई ऐसी 5 बातें ढूंढनी है जिसके लिए आप हृदय से ईश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिससे आप बहुत संतुष्ट हैं। आपका समय आरंभ होता है 15 सेकंड। तो उस व्यक्ति के इसी बात में निकल गए, ये कैसा व्यक्ति है, मैं मानसिक रूप से इतना असंतुलित हूँ, इतना परेशान हूँ, और ये मुझसे कह रहा है कि जिस बात से संतुष्ट हो ऐसी किसी बात के बारे में सोचो, वो भी एक दो नहीं 5-5। जो अगले 15 सेकंड बचे उसके मन में लालच आया, उसने सोचा कोई बात नहीं, प्रयास तो करके देख ही सकता हूँ, क्या पता कुछ लाभ का योग बन जाए। लेकिन वो 15 सेकंड भी यूं ही चले गए क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता से, असंतुष्टि के भावों से भरा हुआ था। जब उसने देखा कि मैं पहली बात को फॉलो नहीं कर पाया, बड़ा निराश हुआ, उसने कहा आप अपनी दूसरी बात रखिए। दूसरी बात में उस व्यक्ति ने कहा, मैं पुनः आपको चेतावनी देता हूँ, मैं देख पा रहा हूँ
कि प्रबल हानि के भी योग बन रहे हैं। अगर आप मेरी इस बात को फॉलो कर पाए तो ही इस हानि से बच पाएंगे, अन्यथा नहीं। और इसके लिए भी समय सीमा निर्धारित होगी। उस व्यक्ति ने कहा, मैं अपना पूर्ण प्रयास करूंगा, मैं बहुत परेशान मन से आपके पास आया हूं, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा, आप रखिए अपनी बात, क्या कहना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, आपको कोई भी ऐसी बात नहीं सोचनी जिसके कारण आप असंतुष्ट हैं, जिसके कारण आपके मन में शिकायतों की लिस्ट है, जिसके कारण आप बहुत अशांत और परेशान हैं। और आपका समय आरंभ होता है 15 सेकंड। वो 15 सेकंड कब बीत गए उसे पता भी नहीं चला। और उन 15 सेकंडों में उसके साथ हुआ क्या? उसकी आंखों के सामने वो सारे लोग, वस्तु, परिस्थितियां, सब कुछ आ गया, जिसके कारण वो बहुत परेशान था। और बाद में जब उसे पता चला कि 15 सेकंड तो खत्म हो गए, अब ये चांस भी हाथ से गया, वो व्यक्ति बहुत निराश हुआ। और उस व्यक्ति के जो द्वार पर बड़ी आस से आया था, वहां से वापस चला गया। जिस समय वो रास्ते में जा रहा था तो उसके मन में बड़ी उथल पुथल चल रही थी। वो अपने आप से ही प्रश्न करता जा रहा था। उसने कहा, ये कैसे समाधान करता है? धन्यवाद की बात करते हैं, अरे कैसा धन्यवाद, किसको धन्यवाद? जिसके जीवन में इतना संघर्ष हो, जिसने अपमान के इतने घूंट पिए हों, जिसने अपने जीवन में मृत्यु जैसी पीड़ा को सहा हो, अपने नज़दीकियों को इस संसार से जाते हुए देखा हो, अरे कैसा शुक्राना, कैसा धन्यवाद। आज के समय में, आज के समाज में पल पल ईर्ष्या भाव से सने हुए लोग आपको आसपास नजर आ जाते हैं। आपका घर परिवार हो, आपका वर्क प्लेस हो, आपके कॉम्पिटिटर्स जो ऐसे वचनों का प्रयोग करते हैं कि मन अंदर तक छलनी हो जाता है। आप क्या बात करते हैं कि शुक्राना करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए? मैं ऐसी कोई बात ढूंढूं जिससे मैं बड़ा संतुष्ट हूं? मैं किसी बात से संतुष्ट नहीं हूं। और यदि मैं शुक्राना ना करूं तो कौन सी हानि हो जाएगी? मैं बताना चाहूंगा, मेरे जीवन में ऐसे कितने लोग आए जिन पर मैंने इतना विश्वास किया, और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा? कौन सा शुक्राना, किस बात का शुक्राना? शायद किसी अनुभवी व्यक्ति ने सही ही कहा है, अगर आपको ठीक ठीक दिखाई नहीं देता ना, तो किसी पर हद से ज्यादा विश्वास करके देखिए। वो व्यक्ति आपकी ऐसी आंखें खोल कर जाएगा कि सब कुछ दूर दूर तक स्पष्ट नजर आने लग जाएगा। और लगातार वो ये प्रश्न करता जा रहा है, अपने आप से बातें करता जा रहा है, और अंत में कहता है, क्या कोई ऐसा सांचा बना है? क्या कोई ऐसी अवधि बनी है? क्या कोई ऐसा पैरामीटर है कि हम अपने भीतर उसको पैदा कर लें, हम उस सांचे में ढल जाएं, या उस अवधि काल को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को जिएं कि हमारे भीतर भी शुक्राने का भाव आ जाए, हम भी कृतज्ञ हो जाएं? और ऐसे विचारों से उलझता हुआ वो अपने घर की ओर बढ़ गया। सज्जनों, आपको लग रहा होगा कि जैसे कोई आपके मन की बातें कर रहा हो। संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका विश्वास ना टूटा हो? संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने अपमान का घूंट ना पिया हो? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने किसी नज़दीकी की आकस्मिक मृत्यु ना देखी हो, उस पीड़ा से ना गुजरा हो? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने संसार में जो परिस्थितियों की उथल पुथल है उसे ना महसूस किया हो? इसलिए हमें ये विचार अपने से लगते हैं, और जब बात कही जाती है कि हम धन्यवाद भाव व्यक्त करें, तो ये बात लगती है इम्प्रैक्टिकल। कैसे करें जब जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं कि धन्यवाद किया जाए, तो किस बात का धन्यवाद? सबसे पहले इस प्रश्न को लेते हैं कि आज वर्क प्लेस पर इतनी ईर्ष्या है, इतने कॉम्पिटिटर्स हैं, लोग इतने अपशब्दों का प्रयोग करते हैं कि कोई आगे ना बढ़ जाए, तो कैसे धन्यवाद करें? आज के परिपेक्ष में, वर्तमान परिपेक्ष का उदाहरण लेते हैं। एक साधारण से परिवार की बच्ची इंग्लिश बोलना शुरू करती है और वो उसे एक पैशन के रूप में लेती है। अब नई नई इंग्लिश बोलती तो आप जानते हैं गलती भी होती है, तो उसके जो आसपास के लोग हैं, दूर के नहीं, जो उसको बहुत नज़दीकी से जानते हैं, वो लोग उसे कहना शुरू करते हैं, बड़ी अंग्रेज बन रही है। जब उस बच्ची को ये बात पता चलती है तो वो कहती है, अच्छा बात तो ठीक है, अंग्रेज बनने में फिर बुराई क्या है, बन जाते हैं अंग्रेज। सतत परिश्रम, कठिन अभ्यास
और इतनी अच्छी इंग्लिश बोलना शुरू कर देती है कि जब लोगों को ये बात पता चलती है कि अब इंग्लिश बहुत अच्छा बोलने लगी है, तो उन्होंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, सारी दुनिया में कितने लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, तो अगर ये इंग्लिश बोल रही तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने कहा बात ये भी ठीक है, कुछ और करना चाहिए। उसने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लैंग्वेजेस हैं उनके डिफरेंट एक्सेंट को सीखा, और जब वो डिफरेंट एक्सेंट बोलने लगी तो भी लोगों ने उसे छोड़ा नहीं। लोगों ने कहा मिमिक्री तो है, कॉपी ही तो है, हम भी कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। वो बच्ची आगे बढ़ती चली गई, उसने आगे चलकर लैंग्वेजेस की जो बिल्कुल टेक्निकल चीज़ें होती हैं उन्हें सीखा, और करते करते एक ऐसा समय आया कि गूगल पर इस बच्ची को सर्च किया जाने लगा, और किस नाम से सर्च किया जाने लगा, वंडर गर्ल ऑफ इंडिया जानवी पवार, उम्र मात्र 14 वर्ष, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर, बड़े बड़े अधिकारियों को मोटिवेशनल स्पीच देने लगी। यूं तो इस बच्ची के बहुत से इंटरव्यू हुए, पर अपने उन इंटरव्यूज में से किसी एक इंटरव्यू में इसने अपनी ये बात रखी। उसने कहा मेरे जीवन में बहुत सारे लोग प्रेरणा स्रोत रहे, लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि आप सबसे पहले किसका शुक्राना करना चाहेंगी, किसका धन्यवाद करना चाहेंगी, तो मैं अपने क्रिटिसाइजर्स का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी। आई टुक देम एज अ हेल्पर, मैंने उन्हें अपने जीवन में अपनी उन्नति में सहायक के रूप में लिया, इसलिए सबसे पहला धन्यवाद उनको, थैंक यू वेरी मच। हमने देखा ये जो सांसारिक उदाहरण है ये कितना स्पष्ट और मार्मिक है और वर्तमान समय से है। इस बच्ची को भी तो कितने लोगों ने कटाक्ष किया, कितने लोगों ने इसको आगे बढ़ने से एक तरह से रोका। अगर कोई और व्यक्ति होता और इस बात को नेगेटिव लेता, बड़ी अंग्रेज बन रही है, कॉपी तो कर रही है, कोई भी बोल ले, तो व्यक्ति शायद आगे बढ़ने की कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन उसने हर बात को बड़ा पॉजिटिव लिया, और यही उसकी प्रगति में कितना बड़ा एक सहयोगी बना। दूसरा पक्ष, जिसके जीवन में इतने संघर्ष रहे हों कि जीवन में कभी कोई सुख ही ना देखा हो, वो व्यक्ति कैसे शुक्राना कर सकता है। इतिहास में भाई मंज की कथा आती है। भाई मंज ऐसे भक्त हुए जिन्होंने जब से अध्यात्म के पथ पर पांव रखा, क्या घर, क्या परिवार, फसल, पशु, सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ तक कि जब गुरु दरबार में आए, परीक्षाओं का अंत नहीं हुआ। और सब कुछ छोड़िए, जब आपके मार्गदर्शक, आपके प्रेरणा स्रोत, आपके सतगुरु स्वयं आपके सामने आए और कहें तूने आज तक कितना सहा है, तुझे मिला क्या इस पथ पर चलने से, छोड़ दे इस मार्ग को, चला जाए यहाँ से, तो आपकी स्थिति उस समय क्या होगी। भाई मंज के साथ ये घटना घटित हुई थी। उनके गुरु ने स्वयं उनसे आकर ये वचन कहे थे, जब सर्दी के समय वो सुबह सुबह लंगर भवन में सेवा कर रहे थे, बाकी सभी सेवक सो रहे थे और गुरु दरबार में वो सेवा करने में लगे हुए थे, कड़कड़ाती ठंड थी, और स्वयं गुरु कह रहे हैं तू यहाँ से चला जा, तुझे मिला क्या। तब भी हाथ जुड़ गए, काबिल नहीं हूँ मगर फिर भी तेरा करूँ स्वप्न पूरा, यही चाहता हूँ, कुछ ऐसे ही भाव रहे। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आप सोचिए कितना हृदय विनम्रता से झुका हुआ है। गुरु ये शब्द कह रहे हैं और उसके मन में ये भाव उठ रहे हैं, साहिब मोहे ना बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे हमसे तुमको बहुत मिले, तुम सम हमको ना ही। हे गुरुदेव आप ऐसे मत कहिए कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, हे गुरुदेव अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना, मुझसे कोई भूल ना हो, ये दरबार मुझसे ना छूटे। और गुरु उसकी कृतज्ञता से इतने प्रसन्न होते हैं कि सदा सदा के लिए ऐसा वरदान दे देते हैं जो भक्त और भगवान की अटूट प्रीति को प्रकट कर देता है। अब आप सोचेंगे भाई मंच को ऐसा क्या मिला था कि इतनी दुख और तकलीफ के बाद भी वो गुरु के समक्ष शुक्राना कर रहा है। भाई मंच के जीवन की जो कहानी है ये बताती है, पूर्ण गुरु मिलने से पहले वो अपूर्णता से परिचित हुआ था, सच को पाने से पहले उसने पहले झूठ को पाया था। उसे अपने गुरु की कद्र थी, उसे पता था ये कौन सत्ता है और ये कौन सा दरबार है, मैं किसकी साधना करता हूँ, मैं किसकी सेवा करता हूँ, यहाँ पर जो कुछ मिल रहा है सब मेरे गुरु की इच्छा है, उसका प्रसाद है, जो मिल रहा है सिर माथे, क्योंकि ये पूर्ण गुरु का दरबार है, शिकायत का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
तीसरी बात, अगर किसी को इतने अपमान के घूंट पीने को मिले, बहुत व्यक्ति लोग संसार में बहुत कुछ उसका अपमान करें, तो व्यक्ति कैसे शुक्राना करे। एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है जिसमें आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। एक बार एक राजा जो अपने मंत्री के साथ हमेशा रहता था, वो मंत्री के बिना कोई काम करता ही नहीं था, और वो राजा और मंत्री राजमहल में साथ बैठे थे। तो मंत्री ने राजा को जैसे ही देखा तो अचानक एक घटना घटित हुई। वो क्या था कि राजा कुछ कर रहे थे और अचानक उनकी उंगली थोड़ी सी कट गई और मंत्री के मुख से सहसा निकला, ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, ईश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद, इसमें भी कुछ भला होगा। अब जो राजा था उसे बहुत बुरा लगा, वो मंत्री की सारी अच्छाई भूल गया और उसे तुरंत संशय हुआ अपने मंत्री पर कि जरूर ये मेरा कुछ अहित चाहता है, आज मेरे हाथ से खून बहा है, मुझे पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है, और ये कहता है भगवान तेरा धन्यवाद, इसका मतलब ये मेरा कुछ बुरा चाहता है। अब देखिए क्या घटना घटित होती है, ये राजा मंत्री को जेल में डलवा देता है और ये राजा कुछ समय बाद शिकार के लिए जाता है। इसके सैनिक सब पीछे छूट जाते हैं, जंगल में कहीं भटक जाता है और इसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं बलि के लिए। अब राजा की बलि दी जाने वाली है, मृत्यु सामने खड़ी है। आप सोच सकते हैं कोई भी व्यक्ति हो, मृत्यु सामने हो तो मन की स्थिति क्या होगी। अभी बस कार्य पूर्ण होने ही वाला था कि अचानक से उन लोगों में से किसी एक की दृष्टि पड़ी राजा के ऊपर। उन्होंने कहा अरे अरे देखो इसका तो अंग भंग है, इसकी तो उंगली कटी हुई है, ऐसे व्यक्ति को थोड़ी ना बलि के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये तो अपूर्ण है, इसे छोड़ो, इसको बलि में नहीं प्रयोग कर सकते। जब साक्षात जीवन दान मिला हो तो फिर सीधे आत्मा ही बोलती है, फिर मन नहीं बोलता। उसके बाद जब राजा महल तक पहुंचा तो उसकी आत्मा बार बार चीख चीख कर उसे बताने लगी, तूने मंत्री के साथ अच्छा नहीं किया, तूने जो भी कुछ किया अच्छा नहीं किया। देख मंत्री ने कहा था जो ईश्वर करता है अच्छा करता है, भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद, जब तेरी उंगली कटी थी तो ये मंत्री ने ये बात कही थी, सबसे पहले जाकर मंत्री को जेल से मुक्त करना है। राजमहल में पहुंचे राजा और सबसे पहले आदेश दिया सम्मान के साथ मंत्री जी को राजमहल में लाया जाए, और उन्होंने अपने साथ बीती सारी घटना जो भी उनके साथ जंगल में हुआ था सब कुछ कह सुनाया। जब राजा ने मंत्री को अपनी सारी बात कह दी तो कहा मंत्री पर मेरे मन में तुम्हारे प्रति एक प्रश्न आ रहा है। मंत्री तब भी प्रसन्न मुद्रा में थे जब वो जेल में गए थे और मंत्री इस समय भी बड़े ही सहज थे, कहीं कोई चेहरे पर शिकन नहीं था। उन्होंने कहा जी महाराज पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। उन्होंने कहा तुमने जो बात कही थी मुझे उस बात पर इतना गुस्सा आया कि मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया। तुमने कहा था ईश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद, तेरा शुक्राना, अरे मेरे साथ तो सच में शुक्राना क्योंकि मुझे साक्षात जीवन दान मिला, जो तुमने कहा सच हुआ, लेकिन तुम तो इस राज्य के बड़े सम्मानित मंत्री थे और जैसे ही जनता को ये बात पता चली मंत्री जी जेल में राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे थे, तुम्हारी कितनी निंदा हुई, जो तुमने नहीं भी किया लोगों ने वो बातें तुम्हारे लिए कही, तुम्हें अपमानित महसूस नहीं हुआ, क्या तुम्हें नहीं लगा कि ईश्वर ने तुम्हारे साथ गलत किया। वो मंत्री बड़ी सहजता से हाथ जोड़कर बोला महाराज मेरे ईश्वर यदि आपको प्रेरणा ना देते कि मुझे जेल में डाला जाए तो आप खुद ही सोचिए आप मेरे बिना कहीं कहाँ जाते थे, अगर आप जंगल में जाते तो मैं भी तो आपके साथ ही जाता, और यदि आप अक्षम थे बलि के लिए, आपका अंग भंग था, मैं तो सक्षम था ना, आप सोचिए क्या मैं आज जीवित होता अगर मैं आपके साथ होता। मेरे मालिक का लाख लाख शुक्रिया कि वो आपके भीतर बैठा और आपको ऐसी प्रेरणा दी कि इसको जेल में डाल दिया जाए, मैंने तो क्षणिक अपमान सहा, आप सोचिए अगर आज मैं आपके साथ होता तो मैं संसार में ही ना होता। राजा ने जब ये बात सुनी तो नतमस्तक हो गया। यहां पर थोड़ा ठहरते हैं, एक ऐसा गुण भक्त के भीतर जो हर हाल में हर परिस्थिति में उसको शुक्राना करने के लिए मजबूर कर देता है, वो क्या है। हमने अभी श्रवण किया चाहे वो सांसारिक क्षेत्र हो, चाहे जीवन की कोई संघर्षपूर्ण स्थिति हो, या हमने देखा कि राजा को इतना अपमानित
महसूस हुआ कि मेरी उंगली कट गई है, मंत्री क्या कर रहा है, उसे क्रोध आया, उसने क्या आदेश दे दिया और मंत्री के साथ भी क्या क्या नहीं हुआ। राजा को भी एहसास हुआ देर सवेर, पर मंत्री को पहले भी एहसास था और बाद में भी एहसास हुआ। ये क्या है? ये है कृतज्ञता, धन्यवाद का भाव, शुक्राना, जो किसी भी परिस्थिति में हमेशा बना ही रहता है। परिस्थितियां बदलने से वो बदलता नहीं है। शुक्राना जो इस व्यक्ति के भीतर होता है, उसके कुछ विशेष लक्षण भी होते हैं। किस प्रकार? आपने देखा मंत्री को, मंत्री के भीतर कितना संतोष था। जेल में था तो भी बड़ा प्रसन्न था, राजा के साथ था तो भी बड़ा प्रसन्न मुद्रा में था, बड़ा खुश था। आपने ये भी देखा कि राजा उसको नोटिस करता है कि तुम तब भी प्रसन्न थे जब तुम्हें जेल में भेजा जा रहा था और तुम अब भी इतने सहज हो। तुम्हारे अंदर जो एक प्रफुल्लता है, तुम्हारी जो बॉडी लैंग्वेज है, तुम्हारे भीतर का जो उत्साह है, मैं कहीं से भी तुम्हारे भीतर कोई हीन भावना, डिप्रेशन मुझे नजर नहीं आ रहा। तुम अब भी आशा से भरे हुए हो। और मैंने देखा तुम्हारा भगवान पर इतना अटल विश्वास था, जिस भगवान का तुमने नाम लिया और तुम्हें जिस भगवान का नाम लेने के कारण कि भगवान तेरा धन्यवाद, तुम्हें जेल मिली। तुम्हें कोई प्रसाद नहीं मिला, तुम्हें जेल मिली, तुम्हारी निंदा हुई, तुम तब भी विश्वास से भरे हुए थे, तुम्हारा विश्वास डामाडोल नहीं हुआ। और तो और मैंने देखा कि मुझे लगता था कि मैं तुम्हारे समक्ष माफी मांगूंगा और तुम कहोगे हाँ राजन कोई बात नहीं। मैंने तुमसे कहा कि मुझ पर तो कृपा हुई, मुझ पर तो भगवान का धन्यवाद, लेकिन तुम्हें तो कितना कुछ सहना पड़ा, और तुम बदले में कह रहे हो नहीं राजन, ये ईश्वर ने आपको प्रेरणा दी। तुम मेरे पर आक्षेप नहीं कर रहे कि आपने मेरे साथ गलत किया। यानी तुम्हारे भीतर कितनी सद्भावना है, तुम्हारे भीतर कोई दुर्भावना नहीं है। बुरा करने वाले के साथ भी तुम्हारे भीतर सद्भावना है। आप दंग रह जाएंगे जिन लक्षणों के बारे में हम बात कर रहे हैं ना। श्री गुरु महाराज जी ने एक बार अपने मुखारविंद स्वयं ये वचन कहे हुए हैं, जिस भक्त के भीतर ये पांच गुण, सर्वप्रथम संतोष, दूसरा प्रफुल्लता, तीसरा आशा, चौथा विश्वास और पांचवा सद्भावना। गौर से सुनिएगा, ये पांच वचन महाराज जी ने जो कहे, ये पांच जो सूत्र हैं, महाराज जी ने कहा जिस भी भक्त के भीतर जितनी अधिक मात्रा में होते हैं उसकी भक्ति उतनी श्रेष्ठ और सिद्ध होती है। ये गुरु के वचन है, टाले नहीं टल सकते। भक्ति यदि किसी की श्रेष्ठ और सिद्ध हो जाए, फिर कौन सी आंधी, कौन सा तूफान, कौन सा पतन, कौन सा गिरना, फिर तो उठना ही उठना है। और महाराज जी ने ये भी कहा, ठीक इसके विपरीत कारण चाहे कोई भी हो, यदि कोई अब भी हीन भावना से ग्रसित है तो समझना अभी भक्ति का आरंभ भी नहीं हुआ है। यहां ये जो भक्ति के सूत्र हैं, राजा को ये शब्द सिखाए नहीं गए राजा संतोषी बनना, या मंत्री को नहीं सिखाया गया कि मंत्री तुम्हें राजा को कृतज्ञता का पाठ पढ़ाना है तो उसको थोड़ा सा कुछ सुनाना समझाना। मंत्री के आचरण में उतर चुका था, मंत्री के ये जो लक्षण है जो हमने नोटिस किए वो उसने सारा अपने आचरण से बताया। वो संतोषी भी था, वो प्रफुल्ल भी था, वो आशा से भी जुड़ा था, उसके अंदर विश्वास भी था और उसके भीतर सद्भावना भी थी। उस व्यक्ति ने एक और प्रश्न किया था आरंभ में, अगर आपने गौर से सुना हो, जो अशांत और निराश था। अगर अपने किसी नजदीकी की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, ये जो मृत्यु की पीड़ा का दुख है, जो आपका कोई नजदीकी आपसे बिछड़ जाता है, कौन ऐसा संसार में होगा जो उस समय भी शुक्राना करे और भगवान का धन्यवाद करे? इसका भी उत्तर है। इतिहास में एक ऐसी घटना आती है, गुरु साहिबान आसन पर विराजमान है, संगत दर्शनों का लाभ उठा रही है, अचानक एक शिष्य खड़े होते हैं, हाथ जोड़कर बड़े विनम्रता भरे स्वर में गुरुदेव से प्रश्न करते हैं, गुरुदेव मेरे मन में एक जिज्ञासा है। गुरुदेव कहते हैं पूछो। गुरुदेव मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि क्या कोई आपका ऐसा भी शिष्य है जो सदैव आपकी रजा में रहता हो, जो हर हाल और हर परिस्थिति में आपका शुक्राना करता हो, जिसके मन में कभी कोई शिकायत ही ना उठती हो? गुरुदेव ने कुछ समय शून्य में दृष्टि को टिका दिया और सहजता से मौन तोड़ते हुए बोले,
गुजरात में भाई भिखारी जी। भाई भिखारी जी की कथा से आप सभी अवगत हैं, जिनके घर में उधर बेटे का विवाह था और दूसरी तरफ वो एक टाट बुनने में लगे हुए थे। गुरु दरबार से कुछ गुरु भाई भी आए हुए थे, उनको खूब मान सम्मान भी दिया, लेकिन वो भी अचंभित हो रहे थे, ये क्या हो रहा है। एक तरफ बेटे की शादी है, इतना खुशी का माहौल है, लेकिन ये व्यक्ति बिल्कुल सहज है और इस टाट को बुनने में लगा हुआ है। और वो बहुत ही जल्द ये सारा जो एक सस्पेंस था खुलकर सामने आ जाता है। विवाह के ठीक अगले दिन पुत्र की मृत्यु हो जाती है और उसी टाट को बिछाया जाता है। जो गुरु दरबार से आए हुए शिष्य थे उनका तो मानो कलेजा फट गया हो, धरती ही निकल गई हो मानो पैरों तले। उन्होंने बस एक ही बात कही, भाई भिखारी जी क्या आप जानते थे? और भिखारी जी ने कहा, मैं जानता था। उन्होंने कहा, तो आपने गुरु महाराज जी को बोला क्यों नहीं? आप तो कह सकते थे ना। भाई भिखारी जी का जो उत्तर था उसने सबको निरुत्तर कर दिया। उन्होंने कहा, सृष्टि के मालिक को मैं बताऊंगा कि उसे क्या करना चाहिए। जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, मैं ज़्यादा उठाने के काबिल नहीं हूँ, बहुत दिया है उसने, सब उसकी रचना है। और जो वो सिख, वो जो शिष्य जो उसके पास आए थे गुरु की आज्ञा को पाकर कि जाइए, मेरा एक शिष्य गुजरात में है जो मेरी रजा में रहता है, शुक्राने में रहता है, जिसे कभी कोई शिकायत नहीं होती, आज वो गुरु के वचन सार्थक हो गए थे क्योंकि प्रैक्टिकली वो चीज़ें सामने घटित हुई। सज्जनों, परिस्थितियां अलग हो सकती हैं लेकिन गुरु अपने शिष्य का हर स्थिति में कल्याण ही करते हैं। शुक्राना, कृतज्ञता, गुरु की ये प्रायोरिटी होती है कि वो अपने शिष्य के भीतर इस गुण को कूट कूट कर भर दे। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं, जिन्होंने गुरु कृपा को पाया होगा वो करें शुक्राना, जिन्होंने पाया ही नहीं वो क्या शुक्राना करें। यू कांट से गुरु कृपा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रैटिट्यूड। आप ये नहीं कह सकते कि ये समानुपाती होते हैं। बताइए कौन सा ऐसा जीव है जिस पर गुरु की कृपा नहीं होती? हाँ, हम ये कह सकते हैं गुरु कृपा का एहसास समानुपाती होता है कृतज्ञता का। गहरी बात है, समझने की कोशिश कीजिएगा। गुरु कृपा होना और गुरु कृपा का एहसास होना, दोनों में बहुत अंतर है। कितने लोग हैं जिनके जीवन में इतनी कृपाएं हुई, महाराज जी ने कितना कुछ दिया, लेकिन कोई शुक्राना नहीं, कभी कोई एहसास नहीं कि महाराज जी ने कहां से कहां पहुंचा दिया, क्या थे और क्या बना दिया। लेकिन जिनके भीतर एहसास उत्पन्न हुआ उन्होंने तो शुक्रानों की झड़ी लगा दी। ऐसे ही एक शिष्य ने ये भाव महाराज जी के समक्ष रखे और क्या कहा, हे आशु, तुमने उपकार किया है जितना, कौन करेगा उतना। हमारे सारे गुनाहों को जानकर भी माफ किया है जितना, कौन करेगा उतना। पापी, दुष्ट और कुकर्मी को आशु अपनाए, को सद्गुरु अपनाए। भाग्यहीन जो कहलाता वो भाग्यवान बन जाए। पूर्ण गुरु ने हर एक जीव को प्यार दिया है जितना, कौन करेगा उतना। कोई नहीं दे सकता जो सद्गुरु देता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कृतज्ञता की भावना उत्पन्न हो तो गुरु कृपा नहीं, गुरु कृपा के एहसास से जुड़ना होगा, क्योंकि इसमें महाराज जी के वचन जुड़े हुए हैं। कैसे वचन? महाराज जी ने कहा हुआ है, जब भी कभी आप आध्यात्मिक पथ पर अपने आप को डामाडोल महसूस करें, आपका मन बेचैन हो, परेशान हो, तो पूर्व में जो सतगुरु की कृपाएं हुई हैं, अनुभूतियां हुई हैं, उनका स्मरण कीजिए, उन्हें याद कीजिए। आप पाएंगे कि आपकी श्रद्धा को पुनः संजीवनी मिल गई हो, आपकी जो मुरझाई हुई भावना है वो पुनः जागृत हो जाएगी। ये महाराज जी के वचन हैं। उस निराश व्यक्ति ने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, क्या कृतज्ञता का कोई सांचा है, कोई अवधि है, कोई पैरामीटर है? अगर ये इतनी उपयोगी है तो हम उसको फॉलो कर लेते हैं, हमारे भीतर आ जाए। आप इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मिट्टी के भीतर बहुत सारी क्षमताएं हैं। मिट्टी कोई औषधि भी दे सकती है, कोई फल भी दे सकती है, फूल भी दे सकती है, सुगंध, ना जाने कितना कुछ है मिट्टी के भीतर, संभावनाएं हैं। लेकिन आप जो बोते हैं वो पाते हैं।
इसी तरह से मनुष्य के भीतर बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उन गुणों को कैसे प्रकट किया जाए ये सद्गुरु के हाथ में होता है। और शिष्य के हाथ में क्या होता है? समर्पण। वो सौंप दे और गुरु फिर जिस कार्यशैली में कार्य करते हैं वो फिर आपको कोई क्राइटेरिया नहीं देती, आपको कोई कंपैरिजन नहीं देती। महाराज जी ने इस शिष्य के साथ ऐसा किया था और फिर आज ये बड़ा शुक्राना करता है, आज ये बड़ा झुक कर रहता है, तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका कोई सांचा नहीं है, इसकी कोई अवधि नहीं है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। महाराज जी ने जिसको जैसे समझाना है महाराज जी उसे वैसे ही समझाते हैं। हम यहाँ दो साधकों के जीवन के अनुभव को एनालिसिस करेंगे और देखेंगे एक साधक भारत से है और एक साधक विदेश से है। गुरु एक हैं पर साधक अलग अलग हैं। पहला उदाहरण लेते हैं, एक साधक जो महाराज जी की कृपा से परिचित है, उसके जीवन में कुछ ऐसी उथल पुथल चल रही है, कुछ संघर्ष हैं, परिस्थितियां बहुत तनाव भरी हैं, घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। बहुत दिन तक सोचता है नहीं महाराज जी को नहीं बताऊंगा, महाराज जी सब जानते हैं। लेकिन एक दिन ऐसे लगता है कि महाराज जी तो मित्र है ना, सखा है ना, उनको नहीं बताऊंगा तो किसको बताऊंगा। और अर्जी लगा देता है, गुरु दरबार में आता है और सेवक को कहते हैं जो बाहर खड़े होते हैं, महाराज जी से कह दीजिए कि मैं मिलना चाहता हूँ, महाराज जी के दर्शन करना चाहता हूँ। और बाहर बैठकर अंदर से भी अर्जी लगनी शुरू हो जाती है, सुमिरन में बैठ जाते हैं, रुदन फूटता है, दुख के कारण जो भी मन उनका परेशान है, जो भी कुछ है वो सब सुमिरन में चल रहा है। थोड़ी देर में आवाज़ आती है कि महाराज जी उन्हें बुला रहे हैं। वो महाराज जी के पास पहुँच जाते हैं और महाराज जी के पास पहुँचते ही महाराज जी को प्रणाम करते हैं और रोना छूट पड़ता है। महाराज जी आपकी बहुत कृपा है हमारे जीवन में, मुझे कोई शिकायत नहीं है, पर महाराज जी बस अब लगता है संसार में आपके सिवा है कौन, कोई भी नहीं दिखता। महाराज जी जो आपने दिया है वो कोई नहीं दे सकता। लोग तो संसार में कहते हैं कि किसी पर विश्वास करोगे हद से ज़्यादा तो वो आपकी ऐसी आँखें खोलेगा कि वो आपको दूर दूर तक का स्पष्ट नज़र आने लग जाएगा। महाराज जी आप पर मैंने ऐसा विश्वास किया, आपने मुझ पर ऐसी कृपा की कि आपने मेरा ऐसा नेत्र खोला, दूर की क्या, सबसे पहले मुझे मेरी नज़दीक का ही नज़र नहीं आता था, मैं अपने अंतर में ही नहीं झांक पाता था, मुझे अपने अंतर की हर चीज़ स्पष्ट नज़र आने लगी। महाराज जी मैं सब जानता हूँ, महाराज जी आपकी बहुत कृपा है कि मेरे ही संस्कार हैं, मेरे ही कर्म हैं जिसके कारण मैं दुख भोग रहा हूँ, लेकिन महाराज जी अब मैं हार गया हूँ, महाराज जी घर की परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हैं, महाराज जी मैं क्या करूँ। महाराज जी ने बड़ी सहजता से प्रेम देते हुए सिर को सहलाते हुए महाराज जी ने कहा, खराब तराब है, अच्छा तो तू ठीक कर ले। उस शिष्य ने कहा, महाराज जी मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, अगर मैं ठीक कर भी लूँगा तो फिर खराब हो जाएंगी, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे गुरुवर यदि ठीक करेंगे तो फिर कभी कुछ खराब नहीं होगा। महाराज जी इतने प्रसन्न हुए उस शिष्य की कृतज्ञ भावना से, विनम्रता से, झुकाव से। महाराज जी कहने लगे, अच्छा तो फिर ठीक है, तू प्रभु का भजन चिंतन किया कर, तेरी सारी चिंता का हरण हम कर लेंगे। आप सोचिए उस शिष्य की क्या स्थिति हुई होगी। उसे पता है बस सतगुरु के मुख से वाक्य निकलने की देर है, अब सृष्टि में से कोई काट नहीं सकता, क्योंकि वो गुरु की कृपा को एहसास कर चुका है। ये जो कहते हैं ये आश्वासन नहीं होता, ये साक्षात ऐसे वाक्य हैं जिन्हें कोई नहीं बदल सकता, ये महावाक्य हैं, ये प्रसाद हैं, ये महामंत्र हैं। और कुछ दिनों बाद उसके जीवन में सब कुछ वैसा ही घटित हुआ जो महाराज जी ने कहा। अब देखते हैं दूसरा साधक जो भारत में नहीं रहता, भारत से बाहर रहता है, विदेश से स्पेशली दिल्ली आता है। आज से 20 वर्ष पूर्व की घटना है। महाराज जी के दर्शनों के लिए इतनी दूर से आता है और एयरपोर्ट के पास ही कहीं होटल में ठहरता है। जैसे ही वहाँ पहुँचा आश्रम में, तो जो भी वो अपना तिल फूल अपनी श्रद्धा सुमन लेकर आया था महाराज जी के आसन पर अर्पित किए और अर्जी लगाई, भैया महाराज जी को बता दीजिए मैं वहाँ से, आप महाराज जी दर्शन दें, कृपा करें। महाराज जी तक बात पहुँची, महाराज जी ने कहा बस उनको कहो आसन पर प्रणाम करें, ठीक है, हो गया आशीर्वाद। अब उस व्यक्ति को लगा कोई बात नहीं, महाराज जी के वचन, अभी तो मैं ठहरा हुआ हूँ। उसने प्रणाम किया और वापस
टैक्सी से आया था, टैक्सी से वापस चला गया। आप सोचिए 20 वर्ष पूर्व की घटना है, और महाराज जी का जो कार्य करने का तरीका है, ये अनुभव हमें बहुत गहरी शिक्षा देकर जाएगा। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरा दिन वो बिल्कुल समय से पहुंच गया कि आज तो महाराज जी के दर्शन होंगे। आप सोच सकते हैं, जो लोग बहुत दूर रहते हैं उन्हें कितना चाम होता है महाराज जी को देखने का, मिलने का, महाराज जी कुछ कहेंगे, आशीर्वचन मिलेंगे। और जो गुरु का बाहरी सानिध्य है वो भी अति दिव्य होता है। माना कि आंतरिक सानिध्य में भी अति दिव्यता है, लेकिन गुरु का बाहरी सानिध्य भी किसी वैकुंठ से कम नहीं होता। जब उसने एक आस लगाई कि महाराज जी शायद दर्शन दें, साधना में बैठ गया। उसे पता चला कि काफ़ी देर हो गई साधना में बैठे हुए कि महाराज जी तो नीचे नहीं आ रहे हैं, और कल भी जब महाराज जी, जब से मैं आया हूँ महाराज जी दर्शन बहुत कम दे रहे हैं। और मात्र वो 3 दिन के लिए आया था व्यक्ति, वो जब जब आता महाराज जी के दर्शन उन 3ों ही दिन बहुत कम हुए। वो जब जब साधना में बैठता उसके भीतर इतनी पश्चाताप की अग्नि जलती, उसे अगले पिछले सारे पापों का स्मरण हुआ। शायद इस वजह से महाराज जी दर्शन नहीं दे रहे, शायद ये कारण हो सकता है, मेरी वजह से इतनी संगत जो रोज़ दर्शनों के लिए आती है इनको भी दर्शन नहीं हो रहे। लेकिन बस गुरु की रजा मानकर प्रणाम करता और चला जाता। तीसरे दिन ये घटना जिन गुरु भाई के सामने घटित हुई, उन्होंने ये बात बताई कि तीसरे दिन जब उसने कहा कि आज मेरी फ्लाइट है, महाराज जी से पूछ लीजिए, महाराज जी का दर्शन हो जाए, प्रणाम हो जाए, तो महाराज जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, उसे जल्दी है, उसको जाने दो, उसको बोलो बिल्डिंग को बाहर से प्रणाम करे, हमारा आशीर्वाद है, चला जाए, कोई बात नहीं। वो भाई कहते हैं कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई कि ये बात जाके मैं उस तक बताऊं कैसे, इतनी दूर से वो व्यक्ति आया है। कहते मैंने अपनी साधारण बुद्धि का प्रयोग किया, गुरु जानता है, शिष्य जानता है, गुरु शिष्य के बीच का संबंध है, पर वो कहते हैं मैं अपनी मानवीय बुद्धि लगा बैठा कि महाराज जी से दर्शन क्यों नहीं दे रहे, बाहर ही तो आना है, महाराज जी का क्या जाएगा, वो बेचारा इतनी दूर से आया, दर्शन कर लेगा। उसने आस नहीं छोड़ी, साधना में बैठा हुआ है। लेकिन जब उसे दिखा कि समय बहुत कम रह गया, उसे एयरपोर्ट पहुंचना है, तो उसने फिर दोबारा कहा सेवक भाई को, भैया एक बार और पूछ लीजिए। तो सेवक भाई से रहा नहीं गया, उसने कहा मैं अब सीधे सीधे बता ही देता हूँ, महाराज जी का शिष्य, महाराज जी जाने ये जाने। उन्होंने कहा भैया महाराज जी ने ऐसा ऐसा कहा है कि आप बाहर बिल्डिंग को प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद है और आप जा सकते हैं। उसने उसी वक्त जो महाराज जी ने कहा था बिल्कुल वैसी पालना की, बिल्डिंग को प्रणाम किया और वापस चला गया। जाने के मुश्किल से दूसरे तीसरे दिन उसका फोन आया, और वो उस समय लैंडलाइन फोन चला करते थे। वो भैया बताते हैं कि बाई चांस फोन मैंने ही उठाया, और उस तरफ से उस व्यक्ति ने परिचय दिया, भैया पहचाना मैं। कहते मेरे मन में तो द्वंद्व शुरू हो गया कि मैंने तो सोचा था ये व्यक्ति तो शायद अब, लेकिन ये इतनी प्रसन्न मुद्रा में फोन कर रहा है। और कहते महाराज जी मेरे पास ही थे और महाराज जी ने फोन ले लिया, और महाराज जी उससे फोन पर इतना खिलखिलाकर बातें कर रहे हैं, इतनी प्रसन्न मुद्रा में हैं। और महाराज जी कहते हैं उस व्यक्ति को, गुरु दर्शन दे या ना दे, गुरु का तो एक ही लक्ष्य होता है, शिष्य का कल्याण करना। और महाराज जी ने इतना कह के फोन रख दिया। और जो गुरु भाई थे उनकी स्थिति कैसी हो सकती है बताने की आवश्यकता नहीं, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं महाराज जी कितने नज़दीक रहता हूँ पर महाराज जी की लीला को समझ नहीं पाया। आपके मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा कि वो क्यों शुक्राना कर रहा था महाराज जी का, उसने फोन सिर्फ इसलिए किया था कि महाराज जी को कोटि कोटि धन्यवाद, जबकि महाराज जी ने उसे दर्शन नहीं दिए। वो कहता है महाराज जी को कोटि कोटि धन्यवाद, मैंने इसलिए फोन किया। जब बात पता चली तो क्या थी बात, जिस समय वो विदेश से भारत आया था तो वो किसी बहुत बड़े संकट में था। ऐसी परिस्थितियां थी जिन्हें बदलने के लिए आप कह सकते हैं कि असंभव है, और उसने सोचा कि महाराज जी के पास चलते हैं और महाराज जी को बाहर से मैं अपनी सारी बात सुनाऊंगा, महाराज जी के समक्ष अपना दुख रखूंगा तो महाराज जी जरूर मेरे सिर पर हाथ रखेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन महाराज जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना दर्शन दिए, ना पास बुलाया, ना कोई कुछ नहीं बाहर से, जैसी उसकी एक्सपेक्टेशंस थी, जैसी उसकी आशा थी। लेकिन उसने गुरु की रजा में रहकर सब कुछ पा लिया। जब वो वापस अपने घर गया तो उसने देखा सब कुछ ठीक हो चुका था। जो उसके लिए बहुत बड़ा संकट था, ऐसा लग रहा था क्या होगा, कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकलूंगा, रात की नींदें उड़ी हुई थी, इतनी बेचैनी थी, महाराज जी ने सब कुछ ठीक कर दिया था। ये महाराज जी की कृपा को जब उसने ऐसा महसूस किया
अनबोलत मेरी वृथा जानी, अपना नाम जपाया ठाकुर तुम शरणाई आया। मुझे नाज है अपने सदगुरु पर, मैं क्यों ना धन्यवाद अर्पित करूं। सज्जनों, आपको ये दोनों अनुभव सुनकर इतिहास की ये दोनों घटनाएं याद हो जाएंगी। जब द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के पास भेजा था, प्रत्यक्ष कृपा की थी, बताया था, पल पल मार्गदर्शन किया था, जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि पांडवों का वध कल मैं स्वयं करूंगा, और उधर द्रौपदी को भेजकर अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद श्री कृष्ण के कहने पर ही द्रौपदी को प्राप्त हो गया था। देखिए, प्रत्यक्ष कृपा करते हुए कृष्ण नजर आ रहे हैं, लेकिन आप दूसरा पक्ष देखिए, सुदामा दीनहीन है। जो भी उसको पान फूल लगता है कि मैं अपने सखा के पास जा रहा हूँ, कुछ तो लेकर जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, वो चावल की पोटली लेकर जाता है। वो देखता है कि पहुँचा इसके पास, ये कृष्ण ने तो मज़े से चावल खा लिए, और देखो बदले में इसने तो कुछ बोला नहीं, कुछ दिया नहीं, और बड़े उदास मन से अपने घर की ओर चला सुदामा। लेकिन वो नहीं जानता था, अब वो सुदामा नहीं रहा, सेठ सुदामा बन चुका था। लेकिन कब पता चला? जब अप्रत्यक्ष कृपा को देखा। शुक्राना तो सुदामा ने भी किया और शुक्राना द्रौपदी ने भी किया, लेकिन सतगुरु की जो कार्यशैली है वो किसी पैरामीटर में नहीं बंधी, किसी सांचे में या किसी अवधि में नहीं बंधी कि वो किस शिष्य को कब कितने समय में झुकाएंगे। सज्जनों, इतना तो समझ में आ गया कि सतगुरु के दरबार में सतगुरु की कृपा का एहसास जिस शिष्य को है, वो हर एक परिस्थिति में अपने आप को मैनेज कर लेगा। सतगुरु उसको इस हद तक संघर्षों से, अपमान से या अन्य किसी परिस्थिति से गुजारेंगे, पर अंत में उसे खाली नहीं छोड़ेंगे, कुछ बना देंगे। क्योंकि जिस शिष्य के भीतर कृतज्ञता का अभाव होता है, आप अगर इस विषय में सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये गुण अति अनिवार्य है। आपने सुना होगा ना, जब कोई सम्माननीय पद का व्यक्ति कहीं जाता है तो अकेला नहीं जाता, लाव लश्कर के साथ जाता है, काफिला चलता है उसके साथ। महाराज जी जानते हैं, अगर मेरे शिष्य के पास शुक्राना भाव आ गया तो सद्गुणों की फौज इसके साथ चलने को तैयार हो जाएगी। किस प्रकार? जो व्यक्ति कृतज्ञता के भावों से ओतप्रोत है, शुक्राना जानता है, यानी संतोषी व्यक्ति है, सबर वाला व्यक्ति है, विनम्र है, झुकना जानता है, अपनी गलती मान लेता है, कोई बात नहीं। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो संतोषी नहीं है, रोषी व्यक्ति है, शिकायती स्वभाव का व्यक्ति है, जिसको सिर्फ कमियां दिखती हैं, ऐसे व्यक्ति का क्या होता है? श्री गुरु महाराज जी ने एक बार अपने वचनों में कहा था, महाराज जी कहते हैं, गुरु का स्नेह अपने प्रत्येक शिष्य पर होता है। जब वो किसी को अपना बहुत सानिध्य, बहुत प्रेम लुटाते हैं ना, तो उनकी कुछ आशाएं होती हैं, लेकिन शिष्य कुछ और ही समझ बैठता है। शिष्य ये अहंकार पाल लेता है कि उसकी जो गाड़ी है भक्ति पथ पर बहुत बढ़िया चल रही है, महाराज जी जो इतना बुला रहे हैं, महाराज जी जो इतना पास बिठाते हैं। अब जिसे गुरु नाम लेकर बार बार बुलाए तो भला उससे बड़ा भक्त कौन हो सकता है? अब ऐसा जो साधक है, ऐसा जो शिष्य है, साधना के अभाव में अहम से भरकर पतन को प्राप्त होता है, ये महाराज जी ने वचन कहे हुए हैं। ऐसा शिष्य जब तक गुरु के आसपास रहता है, उसके जीवन में अनुकूल परिस्थितियां रहती हैं, ये ही लोग होते हैं जो कहते हैं गुरु शक्ति है, गुरु सामर्थ्यवान है, गुरु कृपा की जय जयकार करते हैं। और ऐसे लोग जिस दिन विपरीत हो जाए ना, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, असलियत तब निकल कर सामने आती है। जो थोड़ी देर पहले जय जयकार कर रहे होते हैं ना, यही गुरु कृपा का तिरस्कार करते हैं। जो कहते थे गुरु घर तो हमारा परिवार है, वो आर पार करने से चूकते नहीं हैं। जो हाथों से सत्कार करने पर तुले होते थे, अरे इस दरबार की सेवा करो, सेवा सत्कार करो, अब वो कड़वे वचनों का प्रहार करते हैं जो इंसान को अंदर तक छलनी कर जाए। आप सोच कर देखिए, श्री गुरु महाराज जी स्वयं अपने मुख से ये बात कह रहे हैं कि गुरु अपना सानिध्य, अपनी नजदीकी, अपना प्रेम इसलिए देता है, शायद ये कभी गहरी साधना में उतरेगा तो एक बार तो जरूर एहसास करेगा, अपनी मलिनता से जिस दिन परिचित होगा, आप कितने बड़े महान पूर्णता से ओतप्रोत और मैं कितना निकृष्ट,
मैं तो इस दरबार में आने के योग्य भी नहीं हूँ। आप क्या और मैं क्या? लेकिन उसकी साधना का अभाव उसे इस दरबार में टिकने नहीं देता। उसका जो भी कुछ आज तक का किया धरा होता है, जो भी कुछ उसने अच्छा भी किया होता है ना, उसके अहंकार के कारण सब कुछ खत्म हो जाता है। ये एक काम ऐसा करता है, सब कुछ इसका खत्म हो जाता है। श्री गुरु महाराज जी ने कहा, अहंकार ऐसा है जो कि कृतज्ञता का अपोजिट है। अगर कृतज्ञ नहीं है तो शिकायती स्वर होगा, और शिकायती उसी का स्वर होगा। आंख वही दिखाएगा जो कहीं ना कहीं अपने आप को श्रेष्ठ समझता होगा, जो कहीं ना कहीं अपने आप को सोचता होगा मेरे बिना भला क्या हो सकता है। उदाहरण सहित समझेंगे इस बात को कि कृतज्ञता के अभाव में जो ये स्वर उठते हैं ये कितने हानिकारक हो सकते हैं एक शिष्य के लिए। सत्ता बलवंड, कौन नहीं जानता इनके नाम। गुरु दरबार के गायक बहुत बड़े रागी ऐसा कीर्तन करते थे कि संगत झूम जाया करती थी। लेकिन गुरु ने ही कुछ ऐसी परिस्थिति बनाई, गुरु कोई दरबार में लाकर अपने किसी शिष्य को गायक वादक वक्ता थोड़ी ना बनाना चाहते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट सेवाएं देकर उन सेवाओं में कोई स्पेशलाइजेशन थोड़ी ना देना चाहते हैं। गुरु तो किसी भी सेवा को किसी भी शिष्य को सौंपते हैं तो बस उसी में उसका कल्याण छिपा होता है। उन कीर्तन करने वाले शिष्यों को गुरु ने कुछ ऐसी परिस्थिति में डाला कि उनकी वास्तविकता निकल कर सामने आ गई। वो गुरु के द्रोही बन गए। गुरु ने इतना समझाया लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने गुरु दरबार छोड़ दिया, गाना छोड़ दिया। गुरु महाराज जी ने बहुत संदेश भेजे, यहाँ तक कि गुरु साक्षात उनकी चौखट पर चलकर गए, लेकिन तब भी उन्होंने कहा जिससे गवाना है गवा लें। हम गाते थे तो संगत आती थी, देख लेंगे अब कौन आएगा। ये क्या है? स्वयं को श्रेष्ठ समझना कि हम करते हैं, कर्ता भाव। और उस समय जो स्थिति हुई होगी आप समझ सकते हैं कि बाकी संगत में भी कैसे भाव हुए होंगे, उन लोगों ने कितना दुष्प्रचार किया होगा। लेकिन आप हम सभी जानते हैं अंत में उनको कोढ़ हुआ था। गुरु दरबार के निंदक बने तो कोढ़ हुआ, अहंकार से पोषित हुए, कोढ़ का रोग हुआ, और बाद में पश्चाताप से भरकर गुरु चरणों में झुकना ही पड़ा। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने अपने आप को भक्त नहीं समझा, शिष्य नहीं समझा, हम अपने आप को गायक समझ बैठे थे। सोच के देखिए, शुक्राना और अहम भावना, कृतज्ञता और शिकायत, इन दोनों भावनाओं में जानते हैं कैसा अंतर है? जैसे नरक और वैकुंठ में अंतर है। जिस समय आपके भीतर बहुत धन्यवाद के भाव महाराज जी के लिए उठते हैं ना, आप महाराज जी की किसी कृपा को याद करते कि मुझे कैसे महाराज जी ने बचाया, मुझे कैसे महाराज जी ने जीवन दिया, मेरे बिगड़े हुए जीवन को महाराज जी ने कैसे संवारा, मैं कितना गरीब था, सद्गुण नहीं थे मेरे पास, अवगुणों की खान था, मुझे कैसे आज सद्गुणों से अमीर बना दिया है मेरे गुरु ने, मुझे क्या से क्या बना दिया है, आप महसूस करके देखना। उस समय आप साक्षात वैकुंठ में होते हो। लेकिन जिस क्षण आप संशय में फंस जाते हो, शिकायती स्वर आपके अंदर से उठते हैं, तो समझना वो नरक से भी बदतर है। क्योंकि उस समय आप तो अंदर से बेचैन होते ही हैं, आप दुगने तिगने कर्म बना लेते हैं, क्योंकि जो आपके मुख से आग निकलती है वो पता नहीं कहाँ कहाँ तक किस किस को झुलसाती है। जबकि जिस दिन सतगुरु की कृपा रूपी ठंडी बयार चलेगी, ये सब झुलसी हुई आत्माएं सब शीतलता को प्राप्त करेंगी। उन लोगों को लगता है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारे करने से देखा जुड़ते हैं, हमारे करने से देखा टूटते हैं, वही कर्ता भाव। इसीलिए हमारे संत महापुरुष, हमारे जितने अवतार हुए हैं, उन्होंने भी अपने आचरण से इस बात को प्रकट किया कि भगवान कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं है जो सिर्फ अपने भक्त से आशा करते हैं कि वो ऐसा करे। पहले भगवान स्वयं करते हैं, तब वो कहते हैं कि तुझे भी करना है। आप देखिए, श्री रामचंद्र जी केवट के प्रति अपने कृतज्ञ भावों को रखते हैं, हनुमान जी के प्रति अपने कृतज्ञ भावों को रखते हैं, ऋणी हो जाते हैं उनके, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं तो आपके ऋण से उऋणी नहीं हो सकता। आप देखिए, महसूस कीजिए, द्रौपदी ने जरा सी साड़ी के पल्लू फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांधी, भगवान ने साड़ियों के ढेर लगा दिए। क्या है ये? भगवान स्वयं अपने आचरण से परिचय दे रहे हैं। भगवान तो भगवान, जिनको आज हम पढ़ते सुनते फॉलो करते हैं, कबीर जी को पढ़िए, कबीर जी क्या कहते हैं, ना किया न कर सका न करने योग्य शरीर, जो किया सो तुम किया ताते भया कबीर।
रहीम जी को देखिए कितने बड़े दानी हुए और स्वयं कह रहे हैं कि लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, अरे रहीम जी आपने तो कितना दान दिया, मेरी आत्मा जानती है अगर वो परम सत्ता ना दे तो मैं कहाँ से दूँ। देन हार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसी लंबी लिस्ट है जहाँ पर भक्त भी कृतज्ञता के भाव अर्पित करते हैं, शुक्राना करते हैं, भगवान भक्त का शुक्राना करता है और संत महापुरुष भी कहाँ इसमें पीछे हैं। मुझे एक घटना याद आ रही है नूर महल की। दिव्य शांति महोत्सव था, बहुत सारी संगत दर्शनों के लिए आई हुई थी और महाराज जी उस समय दर्शन दे रहे थे, संगत लाभ उठा रही थी। अचानक महाराज जी की दृष्टि एक भक्त पर पड़ी, महाराज जी ने इशारे से उन्हें बुलाया और महाराज जी ने उनसे पूछा और कब आए आप, उन्होंने बताया। फिर महाराज जी ने उनसे पूछा और आप कहाँ ठहरे हुए हैं, उन्होंने कहा महाराज जी पास के एक होटल में ठहरा हुआ हूँ। महाराज जी ने उनसे कुशल क्षेम पूछा, परिवार के बारे में पूछा और महाराज जी आगे बढ़ गए। उसके बाद जब महाराज जी अपने कक्ष में पहुँचे, महाराज जी ने एक स्वामी भैया को बुलाया और महाराज जी ने कहा वो जो आए हैं ना उनके रुकने की व्यवस्था यहीं करनी है। तो भैया ने विनम्रता भरे स्वर में हाथ जोड़कर कहा महाराज जी बहुत संगत आई हुई है, सारा स्थान भरा हुआ है और अंतर में उनको असमंजस भी हो रहा है कि महाराज जी को ना कैसे कहें। और इतना कहते हुए भैया ने हाथ जोड़े और महाराज जी समझ चुके थे जो भैया के चेहरे की भाव भंगिमा थी। अचानक महाराज जी गंभीर हुए और महाराज जी ने क्या कहा, तुम्हें पता है मिशन के आरंभ में ज्ञान के प्रचार हेतु इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जिस समय स्वामी भैया ने ये वचन सुने वो कहते हैं मेरा हृदय इतना पीड़ा से भर गया, सर्व सामर्थ्यवान सत्ता जो औरों को सामर्थ्य देती है वो भी किसी की ऋणी हो जाती है, वो भी किसी के उपकार को भूल नहीं पाती, तो हम कैसे कृतज्ञ हो सकते हैं, उपकारों को भूल जाते हैं, सतगुरु हमारे जीवन में कितने उपकार करते हैं और हम सब कुछ भूल जाते हैं। महाराज जी को आरंभ काल के उस भक्त का इतनी संगत में, यूं तो महाराज जी का अपने एक एक भक्त से अटूट संबंध है, लेकिन महाराज जी ने जो उस समय उन भैया को ये शिक्षा दी कि कृतज्ञता क्या होती है और गुरु कृतज्ञता का केवल प्रवचन नहीं करता, वो केवल तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए, गुरु स्वयं भी परिचय देता है मैं भी कृतज्ञ हो जाता हूँ। सज्जनों आज हमने ये जो भी विचार सुने, कृतज्ञता, शुक्राना, धन्यवाद भाव, हम महसूस कर पा रहे होंगे, एक मनन मंथन जरूर चल रहा होगा कि कितना महान गुण है, कि ये गुण आ जाए व्यक्ति में तो व्यक्ति झुक जाता है, विनम्र हो जाता है, वो गुरु दरबार में कभी विचलित नहीं होता, तो इसका मतलब ये गुण तो हमारे भीतर आना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर परिवार व्यापार में हमें किसी वस्तु की कमी खलती है ना, और हमें दिखता है अगर ये वस्तु नहीं हुई तो हानि हो जाएगी, हम आज नहीं तो कल उस वस्तु को प्राप्त कर लेते हैं। आज का सत्संग सुनना तभी सार्थक समझना जब ऐसा मनन मंथन चले कि हमें इस गुण को प्राप्त करना है, इसके लिए अपार धैर्य रखना होगा क्योंकि इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई समय नहीं है और कोई सांचा नहीं है कि ऐसा करेंगे तो ही ये भाव जन्म लेगा। महाराज जी के चरणों में समर्पण रखना है, वो जो करेंगे जैसा करेंगे किसी को नहीं देखना, और इस पथ पर चलते हुए हमेशा स्मरण रखना है महाराज जी ने कहा हुआ है कृतज्ञता सिर्फ ईश्वर के लिए अर्पित की जाती है, मनुष्यों के लिए नहीं, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा। जब आप किसी का कोई सहयोग करते हैं तो ये सोच कर कीजिए नारायण का कर रहे हैं, नारायण की प्रेरणा से, और जो व्यक्ति सहयोग प्राप्त कर रहा है वो भी ये सोचे कि नारायण की ही सेवा हो रही है, नारायण कर रहे हैं और नारायण करवा रहे हैं, तो व्यक्ति के प्रति आसक्त नहीं होना। दूसरी बात, शुक्राना भाव रखना है लेकिन अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना। अगर आपकी कोई ऐसी ड्यूटी है जहां आपको किसी में कोई कमी देखनी होती है, कोई शिकायत करनी होती है, आपको कोई निर्णय लेना होता है, आपको कोई दंड भी देना होता है, आप किसी ऐसे प्रोफाइल पर हैं, आप अपने कर्म को अपना धर्म समझकर अच्छे से निभाएं, लेकिन उसमें भी शुक्राना ये ढूंढें आपके बुद्धि और सामर्थ्य के कारण हे प्रभु मैं अपनी सेवा को कर पाया, जो भी कुछ मैं हूँ आपकी कृपा से हूँ, क्योंकि लोग
जो बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो कहते हैं अगर शुक्राने में ही रहेंगे तो फिर तो निष्क्रियता आ जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, फिर तो आसक्तियाँ जन्म लेंगी। ऐसा नहीं है। अगर आप शुक्राना विवेक के साथ करेंगे कि बुद्धि में सिर्फ प्रभु का चिंतन होगा, किसी की कमी का चिंतन नहीं होगा। आप अपने संसार के प्रत्येक कार्य व्यवहार को कीजिए, लेकिन उसकी सारी सामर्थ्य का श्रेय केवल और केवल परम सत्ता को दीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आप इस गुण को धारण करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जिसके भीतर शुक्राना आएगा वो खुद शांत हो जाएगा, संतोषी होगा, अपने परिवार को शांत करेगा और विश्व शांति के इस महायज्ञ में, इस महान लक्ष्य में उसकी ये सबसे महत्वपूर्ण आहुति होगी कि वो स्वयं शांत होगा। अंत में चार पंक्तियों के द्वारा अपनी वाणी को विराम दूंगी। सदा रहेंगे ऋणी आपके, एक उपकार कर देना। कर्ता भाव से भरा है मनवा, खाली इसको कर देना। और धन्यवाद के भावों से फिर झोली सबकी भर देना। अर्पित करेंगे ये भाव आपको, स्वीकार प्रभु जी कर लेना, स्वीकार प्रभु जी कर लेना। बोलिए सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।